हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम क्विज क्लास 31 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, द गिनी कोएफिशिएंट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ। तो ये पॉवर्टी का चैप्टर से है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस आप देख सकते हैं, लेवल ऑफ पॉवर्टी, लेवल ऑफ रिलेटिव इनइक्वालिटी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ ग्रोथ। तो इसका आंसर आप बताइए खुद पॉज करके, और आंसर तो मैं बता दूंगी अभी अभी। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी, दैट इज द लेवल ऑफ रिलेटिव इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस्ड ग्रोथ थियोरीज ऑफ रैगनर नर्क्स एडवोकेट। तो यहाँ पर भी चार ऑप्शंस गिवन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। स्टेडी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ GNP, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन बी है पैरिटी बिटवीन कैपिटल स्टॉक एंड लेबर। ऑप्शन सी है साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। और ऑप्शन डी है डेवलपमेंट ऑफ लीडिंग सेक्टर्स। तो ये भी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से है, तो आप खुद ट्राई कीजिए पॉज करके वीडियो। और जो आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। थर्ड क्वेश्चन भी गिनी कोएफिशिएंट से है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स चैप्टर से। तो क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, विथ परफेक्ट इनकम इक्वालिटी द गिनी कोएफिशिएंट इन अ कंट्री वुड बी। ऑप्शन ए है इन्फिनिटी, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 0.5 और ऑप्शन डी है 0। परफेक्ट इनकम इन इक्वालिटी, ठीक है, ये है कीवर्ड, परफेक्ट इनकम इक्वालिटी। तो जब परफेक्ट इनकम इक्वालिटी होता है तो गिनी कोएफिशिएंट, एक कंट्री का गिनी कोएफिशिएंट जो है वो क्या होगा। तो इसका आंसर जो है ये है ऑप्शन डी, दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू द थियोरी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एज इनकम राइज इन द इनिशियल स्टेज देयर टेंड्स टू बी अ शिफ्ट ऑफ लेबर फ्रॉम। मतलब जब स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर से सर्विस सेक्टर, मतलब एडवांसमेंट जब होता है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो हम कहते हैं, तो उसके साथ साथ इनकम भी इंक्रीज करता है। तो इनकम जब इंक्रीज करता है इनिशियल स्टेज में, तो लेबर का जो शिफ्ट होता है वो कैसे शिफ्ट होता है, फ्रॉम विच सेक्टर टू विच सेक्टर, राइट। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर, ऑप्शन सी है इंडस्ट्रियल सेक्टर टू सर्विस सेक्टर और ऑप्शन डी है सर्विस सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए, दैट इज एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हिस्टोरिकली लो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वर मेंटेन्ड बिकॉज ऑफ। लो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हिस्ट्री में हमने मेंटेन किए गए थे क्योंकि चार ऑप्शंस गिवन है, लो फर्टिलिटी रेट्स, ऑप्शन बी है हाई मोर्टैलिटी रेट्स, ऑप्शन सी है माइग्रेशन आउट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज और ऑप्शन डी है गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन फैमिलीज कैन हैव, ठीक है। तो इन चार ऑप्शंस में से आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज हाई मोर्टैलिटी रेट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स। तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप नंबर्स देख सकते हैं, चार ऑप्शंस गिवन है, ए बी सी डी 4, 6, 8 एंड 9। तो अगर आपको पता है तो आप खुद आंसर कीजिए वीडियो पॉज करके। इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन बी, दैट इज 6 मेंबर्स, द मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्रोनिम ऑफ JAM स्टैंड्स फॉर। तो इसका जो फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन ए है जन धन आधार मोबाइल, नेक्स्ट ऑप्शन जो है जन धन अकाउंट, जन आधार मंडल, जन आधार मोबाइल। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, जन धन आधार मोबाइल। तो ये सब क्वेश्चंस यू नो इंडियन इकोनॉमिक्स से मोस्टली है, मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है। अभी तक टिल हियर हमारा क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर 5 तक 1 to 5 ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के ऊपर था, अब हम इंडियन इकोनॉमिक्स में मूव किए हैं। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप कॉस्ट
एवरेज कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये चैप्टर तो आप जानते ही है, आपने पढ़ा है, तो वहां से ये क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फॉर द कॉस्ट फंक्शन. तो ऑप्शन ए है द कॉस्ट फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग इन इनपुट प्राइसेस. ऑप्शन बी है द कॉस्ट फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री वन इन इनपुट प्राइसेस. ऑप्शन सी है कन्वेक्स इन इनपुट प्राइसेस. और ऑप्शन डी है कंटिन्यूअस इन इनपुट प्राइसेस. ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िए ऑप्शंस. कॉस्ट फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग इन इनपुट प्राइसेस. कॉस्ट फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री वन इन इनपुट प्राइसेस. ऑप्शन सी है कन्वेक्स इन इनपुट प्राइसेस. और ऑप्शन डी है कंटिन्यूअस इन इनपुट प्राइसेस. तो यहाँ पर आपको गलत स्टेटमेंट निकालना है. तो इसका आंसर जो होगा ये है ऑप्शन सी, दैट इज कन्वेक्स इन इनपुट प्राइसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स से है. इन अ हिक्शियन डिमांड फंक्शन, हिक्शियन डिमांड, स्लर्ट्स की डिमांड, ये आप मेरा प्रीवियस वीडियो आप रेफर कर सकते हैं. वहाँ पर मैंने क्लियरली प्रोडक्शन कॉस्ट, हिक्शियन डिमांड, स्लर्ट्स की ये मैंने एक्सप्लेन किए हैं. तो यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शन ए है द लेवल ऑफ इनकम इज हेल्थ कॉन्स्टेंट. ऑप्शन बी है द लेवल ऑफ यूटिलिटी इज हेल्थ कॉन्स्टेंट. ऑप्शन सी है द प्राइस लेवल इज हेल्थ कॉन्स्टेंट. और ऑप्शन डी है द लेवल ऑफ क्वान्टिटीज इज हेल्थ कॉन्स्टेंट. तो यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आंसर बी होगा. ओके, सो यहाँ पर सो द आंसर विल बी द यूटिलिटी, द लेवल ऑफ यूटिलिटी इज हेल्थ कॉन्स्टेंट इन हिक्शियन डिमांड फंक्शन. और जो लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड थियोरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वो किससे डील करता है. वेलफेयर इकोनॉमिक्स मतलब जनरल इक्विलिब्रियम से है, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स से है. तो पहला ऑप्शन जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनिशियल एंडाउमेंट्स. ऑप्शन बी है ओनरशिप ऑफ इनिशियल एंडाउमेंट. ऑप्शन सी है प्रोडक्शन ऑफ इनिशियल एंडाउमेंट. और ऑप्शन डी है कंजम्पशन ऑफ इनिशियल एंडाउमेंट. तो यहाँ पर चार ऑप्शंस गिवन है, तो इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर जो होगा ये है ऑप्शन ए, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनिशियल एंडाउमेंट, जो सेकेंड थियोरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स में डील किया जाते हैं. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, शेयर द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डायनामिक स्टडी. ओके, एंड हैप्पी लर्निंग. बाय एवरीवन, टेक केयर एंड स्टे सेफ.